तो फ्रेंड्स, पहले है जो टॉपिक है साइलॉगिज्म। इसमें सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है ये, आप हमेशा एक चीज़ याद रखना। सपोज ये एक गिलास है, ठीक है जी, ये गिलास पूरा पानी का भरा हुआ है, ठीक है जी, और दूसरा गिलास है ये पानी का हाफ भरा हुआ है, ठीक है जी। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो पूरा भरा हुआ है पानी का गिलास, वो आधा भी भरा हुआ है, ठीक है जी। अगर मैं कहूँ ये पूरा भरा हुआ है पानी का गिलास है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये आधा भरा हुआ है। लेकिन जो दूसरी एग्जाम्पल है कि पानी का जो गिलास है वो आधा भरा हुआ है, अगर ये आधा भरा हुआ है, मैं कभी नहीं बोल सकता कि ये पूरा भी भरा हुआ है। जो आधा है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है, जो पूरा है वो आधा भी भरा हो सकता है। तो पहले ये चीज़ एक याद रखना मेरी, क्योंकि काफ़ी जगह पे आपको ये चीज़ें बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले टॉपिक में फर्स्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है ऑल ए आर बी, ठीक है जी। अब ऑल ए आर बी का सबसे पहले इसमें होता क्या है, आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, उसके बाद उसके कंक्लूजन्स होंगे, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है। पहले हम बेसिक चीज़ें समझेंगे ऑल ए आर बी। सबसे फ्रेंड्स, हम डायग्राम की मदद से करेंगे। जब भी ऑल ए आर बी है तो वो कह रहा है कि ये जो ए है, ये जो ऑल ए आर बी है मीन्स सारे जो ए है वो बी है। आपने भी डायग्राम फ्रेंड्स ऐसे बनानी जैसे मैं बना रहा हूँ, मतलब जब बनाना शुरू करना है ऑल ए आर बी तो ऐसे बनाना है। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, ऑल ए आर बी, ये जो साइलॉगिज्म है इसमें हमेशा याद रखना, हम इसको बोलते हैं नो ब्रेन डायग्राम्स। इसमें अपनी ओर से दिमाग नहीं यूज करना है, ठीक है जी। नॉर्मल क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है हमने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, उसने हमें स्टेटमेंट में बोला है ऑल ए आर बी। अगर मैं बोलूं कि सारे ए बी है और मैं कंक्लूजन में बोलूं, कंक्लूजन में बताइए कि सम ए आर बी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर सारे ए बी है तो मैं ये भी बोल सकता हूं कुछ ए बी है, जैसे मैंने बोला कि पानी का पूरा गिलास भरा हो तो वो आधा भी है। अगर मैं बोलूं कि सारे ए बी है तो मैं ये भी बोल सकता हूं कुछ ए बी है। सेकंड, अगर मैं बोलूं सम बी आर ए, अब फ्रेंड्स फिर इसमें देखिए, अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा रिफल में मैं बना लूं, जैसे पेन का रिफल होता है, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो पार्ट है ये ए है, तो ये जो सारा पार्ट है ये क्या है, बी है। तो मैं कह सकता हूं कि ये देखिए बी बीच में आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि सम बी आर ए के कुछ बी ए भी है, ठीक है जी। एक चीज याद रखना, ऊपर को एक नॉर्मल चीज बताता हूं, नॉर्मल क्वेश्चंस में ऊपर को सारे ऑल है और नीचे को सम के केसेस है, ऊपर के सारे ऑल केसेस है, नीचे को है सम के केसेस। जैसे ऑल ए आर बी, नीचे को आएंगे सम बी आर ए, यस सम ए आर, सम बी आर ए है। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाता हूँ ऑल ए आर बी, ठीक है जी, और ऑल बी आर सी, तो ऊपर को ऑल रहेंगे नीचे को सम रहेंगे। जैसे ऑल ए आर बी है तो ऑल ए आर सी भी रहेगा, अगर ऑल बी आर सी है, ठीक है जी, तो ऑल ए आर बी है, ऑल ए आर सी भी है। अगर नीचे को चलेंगे सम सी आर बी भी है, सम सी आर ए भी है, सम बी आर ए भी है, तो नीचे को सम के केसेस रहते हैं ऐसे डायग्राम्स में। अब सेकंड चीज देखते हैं फ्रेंड्स, एक चीज रखना, ये तो है नॉर्मल केसेस, एक इसमें नॉर्मल केसेस होते हैं, एक नॉर्मल केसेस होते हैं, दूसरे होते हैं पॉसिबिलिटीज केसेस। पॉसिबिलिटीज केसेस, पॉसिबिलिटी केसेस में और नॉर्मल में ये फर्क होता है, मैंने बोल दिया सपोज बाहर बारिश हो रही है, अगर मैं ये बोलूँ बाहर बारिश बारिश हो रही है, तो मैं अगर ये बोलूँ कि शायद आज बारिश हो, तो बड़ी ऑकवर्ड सी बात हो जाएगी, क्योंकि बारिश तो ऑलरेडी हो रही है, तो वहाँ पर मैं ये चीज़ नहीं यूज़ कर सकता कि पॉसिबिलिटी वहाँ ढूंढ नहीं रखता। मैं वहाँ पर ये नहीं कह सकता कि शायद आज बारिश हो। मान लीजिए बादल हो रखे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि शायद आज बारिश हो। जो पॉसिबिलिटीज के वाले केसेस है, संभावना हमने ढूंढनी होती है। इसमें कैन वाले केसेस होते हैं, मे, ठीक है जी, माइट या इफ वाले केसेस, ये सारे केसेस जहां पर मे माइट
जहाँ पर यहाँ पर पॉसिबिलिटी के केसेस, कैन, मे, ये सारे पॉसिबिलिटी के केसेस होते हैं। ये जो अभी डिस्कस हम ऊपर कर रहे थे, ये नॉर्मल केसेस थे। अब मैं बताता हूँ पॉसिबिलिटी के केसेस का मतलब क्या है। सपोज, अब जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ए आर ऑल ए आर बी, अगर मैंने बोल दिया ऑल ए आर बी और मैं क्वेश्चन में पूछ रहा हूं ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए, ऑल ए आर बी हमें नॉर्मल में दे रखा है। अगर ऑलरेडी बारिश हो रही है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि शायद आज बारिश हो। अगर ऑलरेडी ए सारे बी है तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी तो शायद सारे ए बी हो, तो ये गलत हो जाएगा। जो चीज़ नॉर्मल में सही होती है वो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाती है, क्योंकि संभावना हम वहीं पर ढूंढते हैं जहां पर नॉर्मल केसेस नहीं होते। अगर मैं बोलूं ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, अब इसमें देखिए, जब भी फ्रेंड्स आपको कंक्लूजन में दे रखा कि इज अ पॉसिबिलिटी, हमने हमेशा से पॉसिबिलिटी की डायग्राम बना के देखनी है। फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता दूं, फर्स्ट स्टेप अपने क्या करना है पॉसिबिलिटी केसेस में, फर्स्ट डायग्राम बनानी है, सेकंड स्टेटमेंट चेक करनी है, स्टेटमेंट, थर्ड में देखना अगर सारे जो कंक्लूजन, अगर स्टेटमेंट सारी सही है, सारी स्टेटमेंट सही है तो हमारा क्वेश्चन यस ठीक होएगा। अदरवाइज अगर कोई भी स्टेटमेंट गलत आ रही है आपकी डायग्राम के अकॉर्डिंग तो हमने नो करना है। तीन स्टेप लेने हैं, डायग्राम बनानी है, स्टेटमेंट चेक करनी है, फिर उसके बाद डिसाइड करना है कि वो सही है कि गलत है। अब जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ऑल ए आर बी, ठीक है जी, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। सबसे पहले हमने ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी की डायग्राम बनानी है। वो कैसी डायग्राम बन सकती है वो हमने देखना है। जैसे ए है ना, अब ऑल ए तो है ही है, सारे बी ए कब होंगे, जब इसके बिल्कुल ऊपर मैं बी बना दूंगा। देखिए, अब ऐसे ही मैंने डायग्राम बना दी जिसमें ऑल बी आर ए है, देखो बिल्कुल ऊपर। और अब सबसे पहले मैंने क्या करा, फर्स्ट स्टेप मैंने डायग्राम बना दी, सेकंड अब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट चेक करनी है। स्टेटमेंट क्या थी, स्टेटमेंट थी ऑल ए आर बी, तो स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि अगर मैंने डायग्राम ऐसी बनाई है जैसे ऑल बी आर ए नजर आ रहा है तो ऑल ए आर बी स्टेटमेंट भी सही हो गई। जब डायग्राम भी सही बनी है, स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, सही। तो ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, वो हो जाएगा हमारा सही। सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑल ए आर बी, अब देखिए मैं नीचे बना देता हूं। जैसे सपोज हमने डायग्राम बना रखी थी ऑल ए आर बी, अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है सम बी आर नॉट ए। देखिए फ्रेंड्स, उसने सिर्फ बात करी है ऑल ए आर बी कि सारे ए बी है। क्वेश्चन में पूछा है सम बी आर नॉट ए, बताइए सही है गलत है। अगर आप देखोगे यहां पर आपको नजर आएगा कि कुछ बी ए नहीं है, लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या दे रखा है ऑल ए आर बी, उसके बारे में उसके बाद उसने कुछ नहीं बताया। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया ये दो नो ब्रेन डायग्राम, अपनी ओर से दिमाग नहीं यूज करना, ये चीज हमें दे नहीं रखी, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये गलत होएगा। ये कब सही होएगा, संभावना हम तब ढूंढेंगे जब, मतलब ये केसेस जब जैसे ऑल ए आर बी है, क्वेश्चन में देखा है सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, फिर हम संभावना ढूंढेंगे, फिर हम दूसरा जो चीज नहीं दे रखी फिर उसके बारे में सोचेंगे। हाँ, मुझे नजर आ रहा है कि कुछ बी ए नहीं है, फिर ये सही होएगा। नॉर्मल में ये गलत होएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको कुछ काफी कंफ्यूजन हो, लेकिन जब आप 3-4 वीडियोस में बना दूंगा इसके ऊपर आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। जब क्वेश्चन कराऊंगा और ज्यादा समझ आएगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, इसी समझ से हम एक क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारे पास ऑल केक्स आर आइसक्रीम, ठीक है जी, ऑल केक्स आर आइसक्रीम। देखिए कैसे बनाएंगे, मैं यहां पर केक्स बना दूंगा। ऑल केक्स क्या है, सारे केक्स है आइसक्रीम, ठीक है जी। सेकंड दे रखा है ऑल आइसक्रीम्स आर टॉफी, सारी आइसक्रीम टॉफीज हैं, तो जिसके ऊपर बनेगा सारी आइसक्रीम्स क्या है, टॉफीज है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है ऑल केक्स आर टॉफीज, सारे केक्स टॉफीज है। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर को मैंने आपको बताया सारे ऑल केसेस होते हैं,
तो सारे केक्स देखो, सारे केक्स को कवर कर रखा है टॉफीज ने, तो ऑल केक्स आर टॉफीज, ऑल केक्स आर टॉफीज भी है, तो ये सही हो गया। सेकंड है ऑल टॉफीज आर आइसक्रीम, वो कह रहा है कि सारी टॉफीज क्या आइसक्रीम है, लेकिन नीचे को हमने बताया कि सम की केसेस होती हैं नॉर्मल में, पॉसिबिलिटी में अभी यहाँ पर कहीं पर पॉसिबिलिटी नहीं दे रखा, नॉर्मल में सारे नीचे सम के केसेस होते हैं, तो उसने ऊपर से देखिए टॉफी यहाँ पर है और आइसक्रीम नीचे है, देखिए ये सारी टॉफीज तो आइसक्रीम नहीं है, नज़र भी आ रहा है क्योंकि हमने बताया कि नीचे को सम के केसेस है, ऑल टॉफीज आर आइसक्रीम्स, ऑल टॉफीज आइसक्रीम नहीं है, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में उसने दे रखा कि बताइए फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों गलत है या फिर दोनों सही है, तो हमारा क्या इसमें आंसर आएगा कि फर्स्ट, हमारा जो फर्स्ट है वो सही है। ये फ्रेंड्स इसमें चार पार्ट्स है, जैसे ऑल एयर भी सेकंड पार्ट है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, दो डिस्कस करूंगा, दो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस के ऊपर ही आ जाऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद एक आपको आइदर वाला केस भी समझाऊंगा, वो अलग वीडियो में लेके आऊंगा। देखिए एक है सम ए आर बी, तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी फ्रेंड्स, ऐसे बनेगी सम ए आर बी, सम ए आर बी का मतलब सिर्फ ये पोर्शन जो शेयर हो रहा है, कुछ ए बी है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कुछ ए बी है। अगर मैं बोलूं कि सम ए आर बी, कंक्लूजन में पूछता है सम बी आर ए, वो सही हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कुछ ए बी है तो कुछ बी भी ए है यहां पर। अगर वो पूछता है कि सम ए आर नॉट बी, अब वो पूछ रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, फ्रेंड्स यहां पर देखिए उसने दे क्या रखा है, सिर्फ इतना पोर्शन, हमने यहां तक ही सीमित रहना है नॉर्मल केसेस में, पॉसिबिलिटी में अभी यहां पर नहीं डिस्कस कर रहा, नेक्स्ट टिप्स भी आप जो स्टेप में बताऊंगा। देखिए यहां पर सिर्फ उसने इतनी बात करी कि सम ए आर बी, तो इट मीन्स यहां पर सम ए आर नॉट बी की बात उसने नहीं करी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी। हमें नहीं पता कि से सम ए आर नॉट बी है या नहीं है, अगर वो पूछ ले सम बी आर नॉट ए तो वो भी हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन अगर वो पूछता है, अगर वो कहता है कि सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो उस केस में क्या है, फिर हम संभावना देखेंगे, फिर देखेंगे कि ऐसी कोई संभावना, पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम तो ऐसे ही बनेगी, इसमें भी, इसमें भी डायग्राम ऐसे ही रहेगी अलग से, तो सम ए आर बी, मुझे ये सम ए आर नॉट बी नजर आ रहा है, पहले मैंने डायग्राम बनाई, ठीक है जी, डायग्राम तो यही रह जाएगी, फिर मैंने स्टेटमेंट चेक करनी है कि मुझे जो नजर आ रहा है कि सम ए आर नॉट बी, मेरी स्टेटमेंट है सम ए आर बी, तो सम ए आर बी भी चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स जो स्टेटमेंट है वो भी मेरी चेंज नहीं हुई, वो भी सही होगी, तो ये दोनों स्टेप अगर क्लियर हो जाते हैं तो सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, यस ये सही हो जाएगा। अगर वो पूछता है सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो भी सम ए सम बी आर नॉट ए, वो भी देखिए हमें संभावना में डायग्राम तो यही रह जाएगी, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, यस संभावना है, संभावना में हमने हमने फिर जब संभावना दे रखी है फिर हमने दूसरे नजरिए से देखना है, अदरवाइज नॉर्मल केसेस में जो दिया हुआ है उसके ऊपर ही सीमित रहना है, वहां पर नो ब्रेन डायग्राम यूज होगी और पॉसिबिलिटी के केसेस में लिटिल बिट डायग्राम, लिटिल बिट हमारा ब्रेन यूज होएगा, ठीक है जी। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर एक मैंने क्वेश्चन लिखा है कि सम पेयर्स आर जेम्स है और सम जेम्स आर ऑर्नामेंट है, पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, देखिए सम पेयर्स सम पी आर क्या है, जेम्स है, सम पेयर्स आर जेम्स, उसका क्या कहते हैं, सम जेम्स आर ऑर्नामेंट, सम जेम्स आर ऑर्नामेंट और लिख दिया, ये तो हमारा बन गया स्टेटमेंट। अब वो पूछ रहा है सम जेम्स आर पेयर्स, कुछ सम जो जेम्स है, ये सम जेम्स आर पेयर्स है, देखिए इसके साथ ये शेयर कर रहा है, हमने देखना कि ये चीज बन रही है, सम जेम्स के साथ पेयर्स का ये चीज बन रही है, तो ये बन रही है, ये हमारा सही हो गया। सेकंड वो पूछ रहा है सम ऑर्नामेंट्स आर जेम्स, सम ऑर्नामेंट्स, देखिए ऑर्नामेंट और जेम्स में ये भी ये चीज बन रही है, तो ऑर्नामेंट सम ऑर्नामेंट भी जो जेम्स है तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन अगर वो फ्रेंड्स पूछता कि सम पेयर्स आर ऑर्नामेंट्स, अगर क्वेश्चन में ये पूछता सम जेम्स आर ऑर्नामेंट्स, देखिए सम सॉरी पेयर्स आर जेर्नामेंट्स ऑर्नामेंट्स, पेयर्स यहाँ है ऑर्नामेंट यहाँ है, इन दोनों में ऐसी चीज नहीं बन रही, ठीक है जी, क्योंकि ये पी
ओ के साथ बिल्कुल भी टच नहीं होता, जो ये होगा हमारे पास ये गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे आपको ये टॉपिक थोड़ा, मैं बहुत बड़ी बड़ी यूज़ नहीं बनाना चाहता, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ता रहूँगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा और इतने आसान तरीके से समझाऊंगा, कभी साइलॉग्स के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे पेपर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और राइट आइकन को में जो बटन है उसको दबाना मत भूलिए, जिसके साथ और लोगों को भी इसकी बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी बार।